जेंडर डिफरेंसिस वन वी टॉक अबाउट जेंडर डिफरेंसेज वीट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल सो मेल और फीमेल को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है उसकी बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट बनाई है उसके रोल्स uh, जो हैं और उसकी रिस्पांसिबिलिटीज डिफरेंट इसलिए, इसलिए साइन हुई क्योंकि उसकी टेम्परामेंट uh, उसका जो फ़िज़िकल uh, केमिस्ट्री है वो डिफरेंट है इसी तरह से मदर एंड फ़ादर जो है उनके रोल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और माँ की मोहब्बत अपने बच्चे के लिए और उसके बाद बाप की जो है इमोशंस वो डिफरेंट हैं तो इमोशनली भी डिफरेंट हैं फिज़िकली भी डिफरेंट हैं इसके अलावा जो है एप्टीट्यूड भी उनका डिफरेंट है लाइकिंग डिसलाइकिंग भी डिफरेंट है तो अल्लाह ताला की इसमें कोई हमत है कि उसने मेल और फीमेल को अलग से बनाया है तो इसका मतलब ये है कि कुछ रोल्स जो हैं वो फ़ीमेल्स बड़े अच्छे कर सकती हैं और कुछ रोल्स जो हैं वो मेल्स बड़े अच्छे कर सकते हैं और बाजुकात मेल जो है वो फ़ीमेल का रोल प्ले नहीं कर सकते बाजुकात फीमेल जो हैं वो मेल के काम जो नहीं कर सकती तो इसमें आ, कुछ रिसर्चेज़ हैं जिन्होंने बताया कि वेमेन कैन वर्क लॉन्गर दैन मैन और आ, उनका जो स्टेमिना है काम करने का वो मैन से ज़्यादा होता है और वैसे भी देखा जाए तो मल्टीपल रोल्स जो हैं वो फीमेल्स एक वक्त में कर रही होती हैं वो जॉब भी कर रही होती हैं वो घर का काम भी कर रही होती हैं बच्चों को भी संभाल रही होती हैं और भी अपने तमाम घर की जो आ, गेस्ट हैं उनको भी वो डील कर रही होती हैं तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल स्टेमिना भी उनको दिया है और साथ में कामों में मसरूफ़ रहने की वजह से भी उनका स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है रिसर्चेस ये बता रही हैं इन इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग्स लेकिन इसके बावजूद के फीमेल्स जो हैं इंटेलिजेंस में मर्दों से कम नहीं है स्टेमिना में मर्दों से कम नहीं है फिर भी उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है एम्प्लॉयमेंट में वो वो देखी गई है रिसर्च के मुताबिक और उनको अगर वो सेम रोल भी आती हैं तो फिर भी उनको पे जो है वो कम दी जाती है ऑनरशिप इनलिटी है ऑनरशिप का मतलब है लीडरशिप रोल्स पे हम हमेशा मेल्स को अपॉइंट करना पसंद करते हैं यहाँ पे भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं जेंडर डिफरेंस की वजह से सर्वाइवल इनक्वलिटी है कि सर्वाइवल जो है उसके लिए फ़ीमेल्स का जो है वो हमारा हम जब इस तरह की इनलिटीज़ करते हैं एम्प्लॉयमेंट में और अर्निंग्स में तो फिर उनका सर्वाइवल जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक मेल का सर्वाइवल जो है वो डिफरेंट है सोसाइटी में और फ़ीमेल्स का सर्वाइवल जो है वो डिफरेंट है जेंडर बायस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एजुकेशन एंड हेल्थ इसमें भी जेंडर बायस है कि हम एजुकेशन जो है हम समझते हैं फीमेल्स ने क्या करनी है इतनी हाई एजुकेशन उन्होंने कौन सा जॉब्स करनी है या फैमिली को सपोर्ट करना है तो मर्दों को एजुकेशन जो है उस पर पूरी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी फैमिली रन करनी होती है फिर जेंडर इनकोलिटी हमने देखी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी एक्सप्रेशन जो है हम फीमेल्स को मना करते हैं कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए आपको जो है आपके लिए मुनासिब नहीं है लेकिन वही बात एक आदमी जो है वो कर रहा होता है तो हम उसको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं तो ये सारे ए, कुछ बायसेस हैं कुछ इस तरह की इक्वलिटीज़ हैं जिसमें से फिर फीमेल्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी आता है और जेंडर डिफरेंसेस का मतलब हम ये समझते हैं कि हम उनको डिस्क्रिमिनेट करें जबकि जेंडर डिफरेंस का मतलब ये नहीं है बल्कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी जेंडर डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हम जेंडर्स को डिफरेंट रोल्स और असाइनमेंट्स और, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें और उसके मुताबिक उनसे एक्सपेक्टेशंस भी रखें